हरे कृष्णा राधे राधे। आज आपको कार्तिक की कहानियों में तारा भोजन की कथा बताती हूँ। किसी नगर में एक धनवान साहूकार था। उसका भरा पूरा परिवार था, 3 बेटे बहू, पोते पोतियां, 1 बेटी जमाई, नाती नातिन, सभी बहुत खुश थे। एक समय कार्तिक माह में साहूकार की मझली बहू ने तारा भोजन का निश्चय किया। उसने तारा भोजन की कहानी अपनी सास को सुनने के लिए कहा तो सास ने मना कर दिया और कहा मुझे अभी अपनी पूजा करनी है, मंदिर जाना है। उसने फिर अपनी जेठानी से कहा कि आप मेरी कहानी सुन लो। उसने भी मना करते हुए कहा कि मुझे तो अभी खाना बनाना है। उसने फिर अपनी देवरानी से कहानी सुनने को कहा तो उसने भी बहाना बना दिया कि बच्चों को देखना है। उसने फिर अपने ननद को कहानी सुनने के लिए कहा तो उसने भी मना कर दिया और कहा कि मेरे ससुराल से मेरा बुलावा आया है, मुझे जाने की तैयारी करनी है। अब बहू बड़ी परेशान, करे तो क्या करे। साहूकार का घर राजा के महल के पास था। बहू राजा के पास गई और बोली कि आप ही मेरी कहानी सुन लो। राजा ने कहा मुझे तो व्यापार देखना है, देश चलाना है। साहूकार की बहू बहुत निराश हुई। तभी वो पड़ोसन को देखती है जो तालाब से पानी भरकर वापस आ रही थी। बहू ने उस पड़ोसन से कहा कि आप मेरी कहानी सुन लो, तो पड़ोसन तैयार हो गई। बहू और पड़ोसन ने मिलकर बढ़िया तरीके से पूजा की, कहानी सुनी, आरती की। पूरा महीना दोनों ने मिलकर यही नियम किया। बहू का कार्तिक माह तारा भोजन का व्रत पूरा हुआ। जिस दिन उसने व्रत का उद्यापन किया वही देवयोग से उसकी जिंदगी का अंतिम दिन था। भगवान ने उसे लाने के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। स्वर्ग से विमान आया देखकर उसकी सास भी भाग कर जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन बहू ने मना कर दिया और कहा माँ जी आपकी को तो पूजा करनी है। फिर जेठानी आई, तब उसने उसे भी मना कर दिया और कहा आप कैसे चलोगी, आपको तो खाना बनाना है। देवरानी आई तो उसको भी मना कर दिया और कहा जाओ तुम बच्चों को संभालो। नंदन आई तो कहा कि तुम्हें ससुराल जाने की तैयारी करनी है सो तुम वो करो। सबको देख के राजा जी भी आए और बोले मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन बहू ने कहा तुम्हें तो कारोबार संभालना है, देश चलाना है, तो उसे ही संभालो। आखिर में पड़ोसन आई और कहती है कि बहन मैं चलूँ तुम्हारे साथ। तब बहू ने कहा हाँ तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि एक तुम ही तो हो जिसने कार्तिक के पूरे माह मेरी कहानी सुनी है। दोनों विमान में बैठ के स्वर्ग जाने लगते हैं। तभी रास्ते में बहू को अभिमान हो जाता है और सोचने लगती है कि मैंने कार्तिक के पूरे माह व्रत किया, कहानी कही, इसलिए मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है, लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मुझसे कहानी सुनी है, फिर भी मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से इसे स्वर्ग का वास मिल रहा है। बहू ये विचार मन में सोच ही रही थी कि अचानक भगवान ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया। उसने पूछा भगवान मेरा अपराध तो बता दीजिए, आपने ऐसा क्यों किया। भगवान बोले तुझे अभिमान हो गया है इसलिए तू यही धरती पर रहे, अब तू आने वाले 3 सालों तक लगातार तारा भोजन व्रत करेगी तभी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और पड़ोसन को स्वर्ग ले गए, क्योंकि पड़ोसन ने बिना स्वार्थ के पूजा पाठ सच्चे दिल से किया था। अब बहू को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने फिर से कार्तिक आने पे तारा भोजन लगातार 3 साल किया, भगवान से अपने किए की माफी मांगी। 3rd साल फिर से विमान आया और इस बार बहू को स्वर्ग ले गया। हे कार्तिक के देव, इस कहानी को कहने सुनने हुकारा भरने वाले सभी पे अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो कार्तिक के देव की जय, विष्णु भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर कार्तिक माह की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।